बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से टूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास डेढ़ घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरे का पूरा पानी घर पहुँचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुँचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रह रही है, फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर में से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो सब तुम्हारी तरफ थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगी फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला मैं क्या ये सब कुछ कर पाता? किसान की बातें सुनकर घड़ा खुश हुआ और उसने कभी अपने आप को दोष नहीं दिया और वो रोज सुंदर फूलों को पानी देता रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।